नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। गोल्ड फिल्म मिरर की हमेशा प्रयास रहती है कि हुनरमंद लोगों को देश दुनिया के समक्ष लाया जाए ताकि उनके हौसलों को परवाज मिल सके। CFM की इस तलाश में आज ऐसे ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी युवक से आज मुलाकात करने का अवसर मिला। कुल्टी बिरला रोड निवासी झालमुड़ी विक्रेता भोला यादव, अग्रणी ममता यादव के इकलौते पुत्र अमित यादव और उसकी प्रतिभा से आज आप लोगों को रूबरू कराएंगे। दरअसल एक दुर्घटना के कारण अमित यादव के दोनों आंखों की रोशनी 12 वर्ष की उम्र में चली गई थी। इस घटना ने पूरे परिवार को हताश कर दिया, फिर भी अमित और उसके माता पिता उम्मीद का दामन नहीं छोड़े और अमित के दृष्टिहीन होने को दरकिनार करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अभिभावकों की इसी सोच से आज अमित को वो सब प्रदान हुआ जो शायद आंख रहते हुए वो हासिल नहीं कर पाता। अमित ने अपनी मेहनत और काबिलियत का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए पश्चिम बंगाल के माध्यमिक परीक्षा में 86% अंक के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 2017 में वेस्ट बंगाल स्टेट ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान और गोल्ड मेडल प्राप्त किया, साथ ही फोर्थ नेशनल ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में दूसरा स्थान और सिल्वर मेडल प्राप्त किया। वर्ष 2019 में साउथ एशिया जिसु यूनियन जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और नेशनल सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके अलावा अमित को वेस्टर्न डांस, योगा सहित कई क्षेत्रों में महारत हासिल है। वर्तमान में अमित यादव कोलकाता के नरेंद्रपुर कॉलेज में 12वीं की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि इतनी प्रतिभावान युवक के शिक्षा में आर्थिक तंगी आड़े आ रही थी, जिसकी जानकारी प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था कुल्टी मदद फाउंडेशन के महासचिव रविशंकर चौबे को हुई। उन्होंने तत्काल अमित और उनके परिवार को कुल्टी स्थित बिरला रोड आवास में जाकर मुलाकात की, संग संग अमित की शिक्षा ग्रहण का बीड़ा भी उठाया। अमित को कुल्टी मदद फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक माह पढ़ाई के लिए 2000 की राशि सहायता स्वरूप दिया जा रहा है। इस बाबत कुल्टी मदद फाउंडेशन के महासचिव रवि चौबे ने कहा कि ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी युवक का हमारे क्षेत्र में होना हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। इसलिए हमारी संस्था ने यह निर्णय लिया है कि अमित के शिक्षा ग्रहण की जिम्मेवारी उठाई जाए ताकि अमित बेहतर शिक्षा अर्जन कर अपने माता पिता एवं परिवार का सहारा बन सके, साथ ही कुल्टी और देश का नाम रोशन कर सके। हमारी CFM न्यूज चैनल की टीम कुल्टी बिरला वार्ड नंबर 103 में है। आज हम लोग अमित यादव के घर में हैं। अमित यादव के साथ एक हादसा हो गया था, उसकी आंखें चली गई, लेकिन उसके बाद वो 2018 में माध्यमिक एग्ज़ाम दिया और माध्यमिक एग्ज़ाम में मैथ में 100 में 100 नंबर लाया। उसके साथ वो अच्छे मार्शल आर्ट के माहिर है, कराटे सीख रहे, जूडो सीख रहे और अब वो किसी चीज़ के मोहताज नहीं, अपना काम वो खुद कर लेना चाहते हैं। उनकी एक मकसद है कि वो भारत के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें और भारत के लिए कुछ मेडल लाएं। आइए आज हम लोग उनके घर के करीब हैं, उनके घर को आप देख सकते हैं किस हाल में है। आइए आज आपसे उनकी मुलाकात कराता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित यादव है। अच्छा, कितने भाई भाई हैं? दो भाई। अच्छा, बचपना में क्या हुआ? जब 7 साल की उम्र में थे तब एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें दो आंखें चली गई। अच्छा, चली गई। आप इनके माता जी हैं ना? हुआ था कैसे? आप इनके पिताजी हो, क्या नाम है आपका? भोला यादव। जब इनका आंख चला गया तो उसके बाद कुछ किए नहीं थे इनके आंख बचाने के लिए? बचाने के लिए बहुत कुछ किए। अच्छा, बहुत दूर दूर गए। अच्छा, हुआ नहीं कुछ। अच्छा, उसके बाद फिर ये लिखा पढ़ा ना? फिर उसको भर्ती किया। अच्छा, उस जगह पर भर्ती करने के बाद में कुछ हमको ऐसा ऐसा हुआ, क्या कहें, मतलब जिंदगी में उतार चढ़ाव होता ही रहता है। ठीक है, अभी तो आप खुश है ना बेटा से अपना? बहुत खुश है। अभी कैसे, जब लोग इसको अच्छे बोल रहे तो कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा ना, दिल को सुकून पहुँच रहा। अच्छा, रामकृष्ण मिशन में पढ़ाई कर रहे हैं, 12th के स्टूडेंट हैं और मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग चल रहा है जूडो और जुजुत्सु में। अच्छा, इसमें कहाँ कहाँ तक अभी गए हो? अभी तक जुजुत्सु में इंटरनेशनल खेल चुके हैं। अच्छा, और नेशनल में
ये जुडो में मेरा है सिल्वर और स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड। फ्यूचर में क्या रहता है? फ्यूचर में ओलंपिक का टारगेट है। अच्छा, और एजुकेशन अभी तुम्हारा कहाँ चल रहा है? अभी एजुकेशन रामकृष्ण मिशन नारायणपुर। अच्छा, ब्लाइंड बॉयज एकेडमी। माध्यमिक में तुम्हारा क्या मार्क्स था? माध्यमिक में मेरा 86.40 मार्क्स था। अच्छा, मैथ में 100 ऑफ 100। कितने पढ़ते थे तुम जब एग्ज़ाम दे रहे थे? एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग का जो होता है, हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं ज़्यादा करके। ग्रुप स्टडी में हम लोग ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो रात भर 1-2 बजे तक पढ़ते थे, या उसके बाद सुबह में 2 घंटा और शाम को 2 घंटा इस तरह पढ़ते ही थे। ये ट्रेनिंग कहाँ लेते थे? ट्रेनिंग लेते हैं रामकृष्ण मिशन में ही, एक एसोसिएशन की तरफ से आया गया था, वेस्ट बंगाल जूडो एसोसिएशन, कि ब्लाइंड लोगों को जूडो सिखाया जाए। अच्छा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट तरफ से बोल सकते हैं, तो उसी के ऊपर हम लोगों को लिया गया था। वहाँ पर ट्रेनिंग चला, वहाँ पर हुआ, तो उसके बाद जब नेशनल मीट किए तो वहाँ पर रिजल्ट अच्छा आया, तब से हम लोग के ऊपर में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। अभी कहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हो? अभी पार्टिसिपेट हैदराबाद के लिए अभी रेडी हो रहे हैं। नवंबर 1 तारीख से 5 तारीख तक का एक कॉम्पिटिशन है, वहाँ पर ही पार्टिसिपेट करना। तुमको कब लगा कि तुम कुछ कर पाते हैं? क्योंकि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ वो तो ज़िंदगी में किसी के साथ नहीं हो, लेकिन अगर किसी के साथ होता है तो उसको तुम वापस आना चाहिए ज़िंदगी में। तुमको ये हिम्मत लाने में कौन कौन नुकसान हुआ? हिम्मत लाने में मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था। पहले तो बहुत सारे नेगेटिव ये आने लगे, बहुत सारे कि अब ये शायद कुछ नहीं कर पाएगा, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, बट मम्मी हिम्मत नहीं तोड़ी। मम्मी सीधे जाते गई, बताते गई, पहले स्कूल में जो मेरा ब्रेल अकेडमी यहाँ पर स्कूल है आसनसोल ब्रेल अकेडमी, वहाँ पर मुझे डाला गया। उसके बाद फिर वहाँ से नरेंद्रपुर चले गए, वहाँ पर नरेंद्रपुर में फिर वहाँ से स्टडी स्टार्ट हुआ। उसके बाद तो सब कुछ, और अपना एक अलग सोच था मेरा कि नहीं, अगर इस तरह से बैठे रहेंगे तो कुछ भी, कोई भी नॉर्मल लड़कों की तरह हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और समाज में कुछ अपना पहचान भी नहीं बनेगा। तो और नॉर्मल लड़कों की तरह भी हमको भी अपना लाइफ जीना है, जैसे कि पहले हम देख पाए थे, पहले हम नॉर्मल जीते थे। ब्लाइंड हो जाने के बाद में जब हम अपना घर में बैठ जाएंगे, ऐसा मेरा मन नहीं था, इसलिए अपना आम लड़कों की तरह ही सब कुछ करना था। ज़िंदगी जीने मज़ा आ रहा है। अच्छा, अभी कौन कौन अवार्ड तुमको मिला? अभी तक साइंस सिटी से हम वेस्ट बंगाल जूडो एसोसिएशन की तरफ से, साइंस सिटी की तरफ से एक सम्मानित किया गया था, मेम्बर को मिला था। और बाकी बात तो हर जगह नेशनल वेशनल जाते हैं, मीट करते हैं, तो वहाँ पर जीते तो मेडल वेडल मिलता है। इसके अलावा जब इंटरनेशनल खेले थे जुजुत्सु में, वहाँ से जब गोल्ड आया था तो मेरा पहचान भी थोड़ा आगे बढ़ने लगा। उसके बाद कुलटी मदद फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारे अवार्ड्स मिले, वो उन लोगों ने मेरा जितना मेरा घर में पढ़ाई के लिए बहुत ही प्रॉब्लम था, क्योंकि पापा का सैलरी ज़्यादा नहीं है, पापा का इनकम क्या करते हैं? पापा झालोनी नहीं करते हैं, तो पापा का अभी जो तुम्हारे एजुकेशन जो चल रहा है, खर्चा कौन बेहतर है, कहाँ से पैसा? अभी पापा के जैसे इनकम सोर्स बहुत कम है, तो पापा मेरा जो भी है वो पे नहीं कर पाते थे, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता था। तो तब कुलटी मदद फाउंडेशन की तरफ से सर आए, रवि सर बोल एक हैं, तो वो आए, वो आकर मुझे उन्होंने बताया, जब मेरा ऐसे कंडीशन देखा तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। वो उसके बाद जितना पढ़ाई का खर्चा है वो बोले कि ठीक है, हम उठाएंगे ये पढ़ाई का, तो वहीं से मेरा भी पढ़ाई चल रहा है। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही थैंक्सफुल है हम कि रवि सर जैसे, अभी इंसान दुनिया में ऐसा भी इंसान है कि जो टैलेंट का कदर करते हैं, और मेरे लाइफ में आगे बढ़ने के पीछे 3 इंसान का हाथ है, मतलब मेरे लिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। एक गोपी कृष्ण दत्त जो शुरू में मुझे ब्रेल अकेडमी में डाले थे, एक बासव चौधरी जो BCCL के जनरल सेक्रेटरी है, और 3 रवि सर जो मदर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज जब आप देख रहे हैं कि आपका बेटा आप कामयाब हो रहा है, कैसा लग रहा है देखते? बहुत अच्छा लग रहा है, और गर्व भी हो रहा है कि आज मेरा लड़का को सब कुछ जान रहा है। पहले तो बहुत थोड़ा ये लग रहा था कि मेरा लड़का आगे का ज़िंदगी कैसे जिएगा, लेकिन अभी सब करने के बाद में हमको बहुत फख्र होता है अपना बेटा के ऊपर में, कि मेरा बेटा चलो आम इंसान का तरह है, पहले का तरह नहीं है कि अंधापन के घर में बैठा है, अब अच्छा लग रहा है, सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनका आँख चले जाते हैं, अभी भी बहुत से ऐसे हम लोग हादसा देखते हैं और वो ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहोगे तुम? ज़िंदगी में पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम जैसे मतलब अगर बॉडी का कोई भी एक पार्ट अगर हम खो देते हैं तो घर में बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, ना ही लोगों का प्यार मिलेगा, ना ही रिस्पेक्ट मिलेगा। इंसान जो भी कुछ भी करता है रिस्पेक्ट के लिए और प्यार के लिए करता है, तो अगर हम खुद से अगर घर में बैठे रहेंगे तो कोई हमको ना ही प्यार करने आएगा, ना ही कोई रिस्पेक्ट करने आएगा। तो इसलिए कुछ है जो अपना अलग अंदर जो टैलेंट है या कुछ भी हो अपना वो बढ़ाएं, और उसके बाद आगे बढ़ें, आगे बढ़कर दुनिया से अपना प्यार वापस लें।
आप मैंने क्या करते हो? झालमुड़ी बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? कुल्टी हाई स्कूल में। अच्छा, उसमें मैंने कितना हो जाता है आपको रोजगार? कोई ठीक नहीं, कभी 200 हुआ, कभी 300 हुआ। इसका बचपना कैसा था? इसका बचपना बहुत अच्छा था। अच्छा, मगर जब एक्सीडेंट हुआ तब से कितने साल की उम्र में हुआ? कितने साल का एक्सीडेंट हुआ? 11 साल था। क्या हुआ था घटना? वही घटना हुआ था, टीवी एंटीना में कुछ लगा रहे थे, उसी में भ्रष्ट हो गया। केरासिन तेल का बोतल था, वही भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट होने के बाद में इसकी आँख ही चली गई। बहुत दूर दूर दौड़े, बहुत तकलीफ। अभी आप यहाँ पे रोजगार करते हो, अगर स्कूल बंद होने का वजह कर तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो रोजगार? नहीं, तंगी चलता है, थोड़ा दिक्कत होता है। उस वक्त बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत है। जैसे पूजा का छुट्टी हुआ या गर्मी का छुट्टी, उस टाइम थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अच्छा, जो घटना घटी का जो हादसा हुआ, उस वक्त क्या सिचुएशन था, कैसा महसूस कर रहे थे? उस टाइम सिचुएशन तो बहुत खराब था हम लोग का। अच्छा, फिर हम सोचे कि कैसे क्या करेंगे, बहुत दूर दूर तक इलाज कलकत्ता भी ले गए। फिर उसी में लड़की का शादी भी था, फिर इसका एक्सीडेंट उसको भेलोर में गया। सोचे कि अगर अपना एक डोनेट करने से अगर मेरा लड़का देख पाएगा तो ठीक है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। बेटी को उस वक्त शादी था तो बहुत दिक्कत हो गया होगा? दिक्कत तो बहुत था, जो भी मेरा घर में रखा हुआ पूंजी था सब लड़की का शादी के लिए जो भी रखे थे वो सब मेरा सब खोना पड़ा हमको। फिर तो यहाँ का लड़का लोगों से बोले कि देखो भाई मेरा लड़का का ऐसा ऐसा हो गया है, वो लोग थोड़ा कुछ हेल्प सब हेल्प कुछ हेल्प किया। फिर उसी से हम थोड़ा लड़का का अपना ही बना पाए, इलाज करा पाए। इसके बाद में फिर स्थिति बहुत ही ख़राब था। अब जो भी झालमुड़ी बेचते थे 100-200 लाते थे, उसी में हम लोग को सब मैनेज करना पड़ता था। एक साल इसको घर में बैठा कर रखे, फिर सोचे कि अगर एक साल अगर घर में बैठा अगर इसी तरह रहेगा तो घर का थोड़ा खाना भी सुनना पड़ेगा, इसका लाइफ भी खराब होगा। तो इसके लिए हम फिर गोपीला हैं बोले कि हैं आसनसोल में स्कूल खुल रहा, आप अगर चाहें तो इसको डाल सकते हैं। हम बोले अच्छा होगा अगर आप वहाँ डाल दीजिएगा, तो कहा कि घर का स्थिति ठीक नहीं है और हम इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। वो बोला ठीक है, तब फिर वहीं हम डाले। 5 साल वहाँ पढ़ाई करने के बाद फिर हम कलकत्ता भेजे। उसमें भी हमारा दिक्कत हुआ था थोड़ा कि इतना मन कलकत्ता तो हम लोग तो कभी पहला बार गए हैं, उतना जानते भी नहीं थे कि किस तरह जाएंगे किस तरह क्या करेंगे। तो स्कूल से बोले कि देखिए हम तो इतना दूर तक नहीं जा पाएंगे, अगर आप लोग कुछ कर पाइएगा तो थोड़ा हमारा हेल्प करिए। बोला ठीक है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम सारा कुछ कर देंगे, खाली आपको ले जाकर वहाँ भर्ती करना है। तो फिर हम बासव चौधरी को थोड़ा किए, उनका बहुत हेल्प मिला। हाँ, उनका हेल्प मिला था। वो हम उनको जानते भी नहीं थे, वो इन स्कूल में आते थे, बच्चा लोग को डोनेशन देते थे, कपड़ा उपड़ा देते थे, तभी हम उसको जाने। फिर उनको हम बोले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, मेरा लड़का को हम आगे पढ़ाना चाहते हैं और मेरा पास इतना बजट है नहीं, इसका पापा का अवस्था ठीक नहीं। तो वो बोले कि ठीक है आप अगर इसका आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हम राजी रहे। फिर वो कुछ हेल्प किए, उसी की वजह से हम कलकत्ता में इसको भर्ती कर पाए। और अभी जो अब देख रहे हैं मेरा लड़का का भी इतना कुछ सब कुछ मिल रहा है, और बाकी रवि सर का भी थोड़ा। कुल्टी मदद फाउंडेशन की तरफ से क्या सहयोग मिला आपको? उनके तरफ से तो बहुत सहयोग मिला है, अभी जो भी कुछ हो रहा है सब उन्हीं की तरफ से हो रहा है। मैंने हर स्टेप पर वो हेल्प कर रहे हैं। हाँ, वो हेल्प कर रहे हैं और आगे के भी पढ़ाई के लिए। उनके समझिए तो उन लोगों से ज़्यादा इनका हाथ इसके ऊपर में है। हम तो अच्छा चाहेंगे कि शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रवि सर के कि मेरा लड़का के बारे में बहुत कुछ किया। आपका नाम? आपका नाम क्या? मेरा नाम ममता यादव है। आप कुछ काम करते? नहीं, अभी आप कुछ नहीं करते? नहीं, हम घर में ही घर में रहते हो। साहब, हमारे साथ कुल्टी मदद फाउंडेशन के सेक्रेटरी रवि जी हैं जिन्होंने अमित का बहुत मदद किया। आइए उनसे भी इस मामला में कुछ और हम लोग जानते हैं। सर वेलकम हमारे चैनल में। थैंक यू अमित, आपसे कब उनसे मुलाकात हुई थी अमित जी से? अमित एक्चुअली किसी के माध्यम से हमको पता चला कि अमित यादव बोल के कोई लड़का है, तो इस तरह ब्लाइंड है मगर बहुत टैलेंटेड है, तो हमको बड़ी इच्छा हुई उसे मिलने के लिए। तो मिलने के बाद पता चला कि इस लड़के में बहुत कुछ है जिसको अगर हम लोग दबा के रखेंगे तो भविष्य में ऐसे टैलेंट को हम लोग खो देंगे। तब हम इसको पूछे कि तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ है, क्या करना चाहते हो? किसने बताया कि हमें पढ़ना है? तो बोले बहुत अच्छी बात है। तो फिर जाकर के बोला कि हमको 12 की पढ़ाई करनी है। उसके मदर फादर से पूछे कि आप लोगों का इनकम क्या है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, बताइए, हम लोग हेल्प करने के लिए रेडी है। तो चूँकि मेरा भी बजट उतना नहीं था, हम लोग चूँकि कुल्टी मदद फाउंडेशन एक छोटा सा एनजीओ है, कुल्टी में चलता है, लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन एक्टिविटीज आप लोग करते हैं? एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों के पास मिलते हैं
ताकि इनको कुछ कर सकें। तो अमित बताया कि सर हमारा फादर का मदर का 100-150 रुपये इनकम है और 300-350 रुपये इनकम करते हैं मंथली, तो 2000 रुपये खर्च में ही निकल जाता है कोलकाता का पढ़ाई में, तो अगर इसमें आप हेल्प कर सकें तो कर सकते हैं। तो हमने एक एक्सेप्ट किया, चूँकि बहुत बड़ा चैलेंज था कि आज के समय में 1-2000 रुपये का, बोला ठीक है तुम पढ़ाई करो। और जब से हम इसको शुरू किए, पहले तो इसको हम सोचे कि इसको सम्मान दिलाए, जिस सम्मान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सोसाइटी में इतने बड़ा अवार्ड जो एशिया लेवल का था, गोल्ड मेडल लेके आया, इसको किसी भी संस्था, किसी भी सोसाइटी, किसी भी लोगों ने जाना नहीं, बड़े दुख हुआ। कैसे बच्चे को तो आगे आना चाहिए। एशिया में क्या लाते हैं? एशिया में गोल्ड मेडल था। अच्छा, वो कहाँ पे हुआ? साउथ ईस्ट एशिया, चेन्नई में हुआ था। अच्छा, चेन्नई में हुआ था। कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे उसमें? वहाँ पर 4 या 5 कंट्री थे, बांग्लादेश था, श्रीलंका था। अच्छा, उसमें क्या पोजीशन था तुम्हारा? वहाँ मेरा गोल्ड था। अच्छा, तो वो इसको उतना सहारा? हाँ, तो हमने सोचा कि नहीं, इस लड़के को इतना दब के नहीं रहना चाहिए। तो फिर हम लोग आगे आए तो पहले इसको सम्मान दिलाए, और 5 मई था जब हम अपने सोसाइटी की तरफ से इसको, इसको मदर का फादर को समाज के सामने लाए। समाज के सामने लाने के बाद इसको सम्मान दिए कि नहीं, आप लोग उस सम्मान के काबिल हो, उस लायक हैं आप लोग कि आपका ऐसा बेटा होनहार बेटा है। आजकल हमारे बच्चे भी हैं तो उतना होनहार नहीं है, अंग्रेजी मीडियम पढ़ते हैं, मगर इस बच्चे में आँख नहीं रहती, तो इतना होनहार बच्चा है, तो हम अपने बेटे के समान इसको भी मान लेते हैं कि चलो भाई एक बेटा पढ़ रहा है, दूसरा बेटा भी पढ़ेगा, थोड़ा सा उसमें से कटल करके, और सोसाइटी भी हमारी बहुत हेल्प करती है। तो हमने उसको कमिटमेंट किया कि तुम जब तक पढ़ाई करोगे 2000 रुपये हम अपनी तरफ से बेयर करेंगे। सिचुएशन में हम लोगों ने देखा, सहयोग कब से गया? अच्छा, ये कब से दे रहे सहयोग आप? ये 2019 से हम लोग शुरू किया है। अच्छा, 12 का पढ़ाई से शुरू किया है, 11 का पढ़ाई तो पूरा कर लिया था जैसे तैसे, 12 में इसको प्रॉब्लम आ गई थी कि कैसे करेंगे, चूँकि इसकी बहन भी है तो वो भी अभी शादी के लिए ये लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इसको जरूरी हेल्प करते, उसकी बहन के शादी में थोड़ा सा मैंने पढ़ाई से जो पैसा बचेगा तो उसको थोड़ा सा कर पाएगी। तो या आगे का पढ़ाई तक आप करते रहेंगे? जब तक पढ़ना चाहे अमित, हम चाहते हैं कि अमित इंटरनेशनल लेवल का एक चैंपियन बने, कुल्टी का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। अच्छा, अभी आपके माध्यम से बहुत से लोग इस न्यूज़ को देखेंगे, बहुत सारे एनजीओज है और बहुत सारे सोशल वेलफेयर सोसाइटियाँ हैं, उसके लिए कुछ मैसेज आपका? हम मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, समाज में हम सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। हम लोग बहुत सारे दोष देते हैं कि सरकार ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमारा भी एक नैतिक दायित्व तो बनता है कि समाज के उस वर्ग तक जाएँ जहाँ रोशनी नहीं है, और उस रोशनी को जलाना चाहिए। अब ऐसे हम दोष देते हैं कि सरकार ने वो नहीं किया, इसको हेल्प नहीं किया, तो हम नहीं मानते इस चीज़ को। हमने क्या किया, हमारा क्या योगदान है समाज में, देश में हमारा योगदान क्या है? तो हमको लगता है कि छोटा सा मेरा प्रयास है कि हम और भी लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए कि नहीं, उसकी अपनी व्यक्तिगत तो राय है, व्यक्तिगत दिशा निर्देश है, जो भी है। मेरा दायित्व तो बनता है कि हम भारतीय हैं तो हम ऐसे भारतीय लोगों को, चाहे कोई भी हो, ऐसे लोगों को हेल्प किया। अमित से क्या आशा है आपको? अमित से आशा है कि कम से कम इससे कमिटमेंट भी किए थे कि एक्चुअली हम लोग इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं कुल्टी मदद फाउंडेशन का। अच्छा, क्योंकि एक मेरा पहला पहल था कि इसको कभी ये नहीं लगे, फील करे कि हम समाज के अंग नहीं है। तो हमने सोचा कि हम अपने सोसाइटी का ही इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सोसाइटी या कंपनी का बड़े बड़े हीरो होते हैं, तो मेरा हीरो यही है, इसलिए इसको हम ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। और मेरा मेम्बर भी है, और जब तक रहेगा, जब तक पढ़ेगा ये, तब तक हमें हेल्प करेंगे। अमित जैसे युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अमित जैसा युवकों को संदेश देंगे, अमित से सीखना चाहिए कि विपरीत परिस्थिति में कैसे लड़ा जाता है। अब बिना आँख के अगर बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो हम सभी आँख वाले हैं। अच्छा, कल का अखबार में हमने पढ़ा कि भारत की पहला महिला DM जो बनी है, और कहीं भारत में बनी है, तो नेत्रहीन है। तो ऐसा नहीं है कि नेत्रहीन हमारे समाज का अंग नहीं है, अगर इनको अच्छे से पालन पोषण किया जाए, अच्छा शिक्षा दिया जाए, तो लोग देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये हमारे समाज के लिए एसेट है ये सब, तो इनको हम लोग को सभी को मिलकर आगे बढ़ाना होगा। आपके मीडिया के माध्यम से भी इनको आगे तक ले जाना होगा। CFM चैनल से विशेष रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको मैंने समाज के सामने लाएँ, कैसे से बच्चे हमारे समाज में हैं। नहीं, ये तो खैर समाज में आ गया है, और आखिर में जो आपने जो अंधेरे में जो चिराग जलाया है, हम लोग उम्मीद करें कि इसकी रोशनी बहुत दूर तक जाए। आप लोगों ने हम लोगों से बात की, इसके लिए शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद CFM चैनल को और आप सभी को। जब 2016 में जूडो सिखाया जा रहा था, तो वेस्ट बंगाल जूडो एसोसिएशन की तरफ से फर्स्ट ये इनिशिएटिव लिया गया कि ब्लाइंड बच्चों को भी जूडो सिखाया जाए। तो अमित चौरसिया सर है जो वेस्ट बंगाल जूडो एसोसिएशन के सेक्रेटरी है, तो प्रेसिडेंट है, वो आए
और उसके बाद उन्होंने दिव्येंदु हाटुआ एक हमारे जो कोच हैं अभी, तो उनको भेजा गया कि ये बच्चे लोग को तुम हैंडल करोगे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल किया और अभी तक जो है कि अब इंटरनेशनल लेवल तक भी हम लोग खेल पा रहे हैं। उन्हीं के सपोर्ट से हम लोग अभी जूडो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, वो हम उनके सपोर्ट से ही मीट करते हैं।